जब वृंदावन की यमुना की किनारे से निकल रहा था तो वहां एक तरुणी बैठी थी, वहां उसके दाएं बाएं दो पुरुष लेटे हुए थे और अनेक प्रकार की स्त्रियां चवर ढोरा रही थी, साथ में उनकी सेवा कर रही थी। जब मैं वहां से निकला, उस युवती ने मुझे बुलाया कि भो भो साधु क्षणम तिष्ठ मचिन्तामपि नाशय दर्शनम तव लोकस्य सर्वधा हरम परम। भो भो क्षणम तिष्ठ, हे साधु एक जरा छेड़िए, एक क्षण ठहरिए, एक जरा ठहरिए, मेरी चिंता को आप दूर करते जाइए। मैंने सुना है साधु के शरण मिल जाए, साधु का दर्शन हो जाए तो व्यक्ति की चिंता मिट जाती है। नारद जी ने कहा, देवी तुम कौन हो और तुम्हारा परिचय क्या है? ये सहेलियां जो आपके पास बैठी हैं, ये कौन है? कि क्वासी तुम क्वाव मोचे मां नार्य का पद में लोचना कि वद देवी सविस्तारम स्वस्य दुखस्य कारण। आपका नाम क्या है? ये दो पुरुष कौन है जो आपके दाएं बाएं लेटे हैं? ये स्त्रियां जो आपके पास खड़ी हैं, ये कौन है और आपका नाम क्या है और आपका दुख का रीजन क्या है? बट जो रीजन, आपका रीजन बताइए, क्या नाम है, क्या कारण है? भक्ति देवी ने कहा, हे महात्मा जी, मेरा नाम भक्ति है और दाएं बाएं जो मेरे जो पुरुष लेटे हुए हैं, ये मेरे बेटे पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। जो मेरे साथ में जो खड़ी हैं, ये जो मेरे सखी सहेलियां हैं, ये सभी तीर्थ हैं, ये सभी मेरी सेवा में आ रही हैं। मेरे मन का जो कष्ट का जो कारण है वो ये है कि मैं जब वृंदावन में प्रवेश करी तो मैं जवान बन गई और जो मेरे पुत्र ज्ञान वैराग्य हैं, ये जो जवान थे, ये वृद्ध बन गए। समझ नहीं आया, मां अपने बेटों के सामने जवान नहीं रहना चाहती, मां अपने बच्चों को बूढ़ा नहीं देखना चाहती, मां अपने बच्चे को हमेशा जवान देखना चाहती। समझ नहीं आया मैं क्या करूं, मेरी समस्या बड़ी गहन है, कृपा करके आप कोई निराकरण बताइए, कोई समाधान बताइए। नारद जी ने कहा, देवी कलयुग में तो सबसे बड़ी महिमा भगवान की कीर्तन की है, आप भगवान के नाम का कीर्तन करिए। भगवान के नाम का कीर्तन करने से व्यक्ति अगर समस्या से ग्रसित है तो कीर्तन करने से सहज ही उसे कोई समाधान मिल जाता है। कभी आप परेशान हो, आपके जीवन में कोई कभी कष्ट आ जाए तो आप भगवान का नाम चिंतन करिए, आप कीर्तन करिए। कीर्तन करने से आपका मन तो प्रफुल्लित होगा ही, लेकिन आपके जो समस्या का समाधान था वह भी आपको मिल जाएगा, कोई रास्ता मिल जाएगा। नारद जी ने यही कहा, देवी यत् फलम नास्ति तपसा न योगिना समाधिना कि तत् फलम लभते सम्यक कलोके सब कीर्तनात।
कलयुग में भगवान का केशव का कीर्तन करने से आपकी पीड़ा मिट जाएगी, आपके मन का जो संकट है यह मिट जाएगा, क्योंकि इससे बड़ा कोई और साधन नहीं है। क्यों खेद करती हो, क्यों वृथा आप चिंता करती हो कि वृथा के दे से बाले अहो चिंता तुरा कथम। श्री कृष्ण चरणां भोजम ईश्वरं दुःखं गमस्यति। अरे देवी, हे बाले, तुम चिंता मत करो, व्यर्थ की चिंता मत करो, व्यर्थ की चिंता करने वाले डूब जाते हैं। आप तो केवल भगवान का चिंतन करिए, समाज का चिंतन, परिवार का चिंतन, रिश्तेदारों का चिंतन आपको डूबा देगा, लेकिन भगवान का चिंतन आपको गहरी खाई से उबार करके आपको सहज किनारे लगाए। चिंतन करिए, चिंतन प्रगाढ़ हो, चिंतन में विश्वास हो। जिसकी भक्ति में विश्वास नहीं है, जिसकी भक्ति पर विश्वास नहीं, वे भगवान को कैसे पाए। भगवान को पाने के लिए विश्वास तो जीवन में होना चाहिए। नारद जी ने कहा, देवी ठीक है, तो मैं एक चिंतन करता हूं, एक प्रयोग करता हूं। ज्ञान वैराग्य की मूर्छा को दूर करने के लिए और भक्ति के उस कष्ट को मिटाने के लिए नारद जी ने गीता का पाठ किया, नारद जी ने वेद वेदांतों का पाठ किया, लेकिन जब तक पाठ करते तब तक थोड़ी शुष्कता आती, मूर्छा खुलती, हिलते डुलते जब बंद हो जाता तब वही स्थिति हो जाती। अब नारद जी बड़े हैरान हो गए कि मैं क्या करूं, ऐसी स्थिति बन गई है, वेद वेदांत और गीता का पाठ पढ़ाने के बाद भी, मोहर मोहर पाठम बार बार पाठ करने के बाद में भी कोई चिंता का समाधान नहीं मिल रहा है। लताओं की, पत्ताओं की, वृक्षों के द्वारा और यमुना जी के लहरों के द्वारा आकाशवाणी हुई, सत्कर्म सोच कौनूनम कि ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधे श्रीमद्भागवतालाप सदो गीत सुकादिभि। अरे नारद, आप प्रयास मत करो, आपका ये प्रयास असफल रहेगा। आप तो केवल सत्कर्म करो, सत्कर्म करो, सत्कर्म करो। अब नारद जी ने कहा सनकादिक ऋषियों से, प्रभु मुझे समझ में नहीं आया, क्या गीता का पाठ सत्कर्म नहीं है, क्या वेद वेदादि का पाठ सत्कर्म नहीं है। सनकादिक ऋषियों ने कहा कि देवता, हे नारद, गीता का पाठ, वेद का पाठ, वेद एक वृक्ष है, वेद एक वृक्ष है और गीता उसकी शाखाएं हैं, लेकिन उस वृक्ष का जो फल है वह है भागवत की कथा। सब्सक्राइब करें रामकृष्ण शास्त्री जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना न भूलें।